आज के इस टॉपिक में हम बात करते हैं शुक्राणु कायंत्रण की। शुक्राणु कायंत्रण, देखिए शुक्राणु कायंत्रण या शुक्र कायंत्रण के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसमें हमने पता हम जब हमने अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो देखा है उसमें हमने पता है कि चार कोशिकाएं जो थी किसका निर्माण करती है, चार शुक्राणु का। चार कोशिकाएं मिलती हैं और ये चारों कोशिकाएं चार शुक्राणु का निर्माण करती हैं। और ये जो चारों कोशिकाएं हैं है ना, यानी कि पूर्व शुक्राणु जनन वाली, पूर्व शुक्राणु जनन वाली कोशिका कोशिका कार्यक्षम नहीं होती, नहीं होती। मैं अगर बात करूं कि जो शुक्राणु कोशिकाएं हैं वो क्या है, पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं क्या है, कार्यक्षम नहीं है। कार्यक्षम नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि ये कोशिकाएं अभी वर्तमान स्थिति के अंदर देखा जाए तो किसी भी कोशिका को निषेचित करने का काम नहीं कर सकती। अभी तक इसको कुछ तैयारियां करनी होगी और इसमें क्या करना होगा, विभेदन लाना होगा। क्या लाना होगा, विभेदन, है ना, विभेदन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आरएनए को कोशिका से हटाया जाता है, हटाया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि आरएनए को कोशिका से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, क्योंकि आरएनए उपयोग में नहीं है। लिख दीजिए, क्योंकि केवल डीएनए का उपयोग किया जाता है, या जाता है। जिसका उपयोग हो रहा है वो क्या है, खाली डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, डीएनए। यानी कि अगर पूछा जाए कि शुक्राणु के रूपांतरण के समय निम्न में से कौन से आनुवांशिक पदार्थ को हटा दिया जाता है, तो आप सीधा सा उत्तर क्या लिखोगे, आरएनए लिखोगे। और उत्तर के अपने पास में डीएनए क्या होगा, डीएनए आवश्यक रूप से उसमें रुकता है। देखिए, जब आप लोगों को ये कहा जाता है कि आपको कोई कठिन कार्य करना है, या मान लीजिए कि आपको पहाड़ पर चढ़ना है, दुर्गामी पहाड़ है, और ऐसी परिस्थिति में जो हल्के मोटे शरीर वाले व्यक्ति होंगे वो नहीं चढ़ पाएंगे, और उनको वो चढ़ भी पाएंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। दूसरी बात, उसके लिए क्या होना चाहिए, शरीर एकदम से फिट होना चाहिए, और आपके पास में जो अतिरिक्त सामान है उन सबको छोड़ना होगा। जैसे कि आपके पास में कोई, मान लो कोई ऐसा बैग है उसे आपको छोड़ना होगा, पानी की कोई ऐसी भारी भरकम सामग्री है उसे छोड़नी होगी। जो पर्वतारोही होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ अति आवश्यक है उन्हीं को लेके जाना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा बैग वैग लेके वहाँ पर जाएंगे पिकनिक मनाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर भी देखिए, डीएनए उनके साथ में था, डीएनए उनके साथ में था, और बाद में भी डीएनए अंदर बना रहेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ आदि कोशिका की, और आदि कोशिका से अगर शुक्राणु तक जाने तो आकार में क्या हो जाएगा, भारी परिवर्तन आएगा, है ना। तो इसमें पहले वाली कंडीशन में देखिए अगर, तो गुणसूत्र इस प्रकार से बिखरे होंगे, और यहाँ पर गुणसूत्र क्या होंगे, सिस्टमेटिक्स हो जाएंगे। आपके बैग के अंदर जो कपड़े थे उनको आप थोड़े से दबा करके, थोड़े सिस्टमेटिक करके रखोगे। उसी प्रकार से जो अनावश्यक चीज़ है उसको, जरूरत ही नहीं जिस चीज़ की, उसको आप कहीं ना कहीं से क्या अर्थ कर दोगे, हटा दोगे। तो क्या विभेदन आया, सबसे पहले तो डीएनए बचेगा और आरएनए को क्या कर देगा, शुक्राणु वहाँ अपने भाग से हटा देगा। ध्यान देना, आरएनए को अपने भाग से हटा देगा, और कुछ होगा, अपने आकार में बदलाव कर लेगा, आकार में बदलाव करता। यानी कि अगर बात करें तो शुक्राणु अपने आकार में, शुक्राणु का आकार क्या है, बड़ा है, तो शुक्राणु आकार बड़ा है तो उसको क्या करना है, उसको छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए क्या करेगा, वो आकार में बदलाव कर लेगा। कैसा करेगा, तो गोलाकार, गोलाकार से तरकु रूप में। ध्यान देना, नोट डाल के लिखना यहां पर, मनुष्य मनुष्य के शुक्राणु, शुक्राणु की आकृति, आकृति चम्मच के समान होती है, स्पून लाइक, है ना। आप लोगों ने देखा होगा चम्मच, अगर आपके घर पे हैं, सबके है ही है भैया, समझ लो,
तो इस प्रकार से शक्रका भरते इस प्रकार से, और इसी को उल्टा घुमा के देखती हो अगर यूँ सामने से फिर, तो इस प्रकार से आपके घर में चम्मच होंगे, है ना। तो चम्मच के आकार का मनुष्य में है, ये ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले वो क्या करेगा, आरएनए को हटाएगा, उसके अंदर से क्या कर देगा, वो अपने तर्क रूप में ले लेगा, गोलाकार भाग को भी क्या कर देगा, हटा देगा। और क्या करेगा शुक्राणु, और क्या करेगा, तो शुक्राणु एक काम और करेगा, गुणसूत्र, गुणसूत्रों को व्यवस्थित कर देता है। देखिए व्यवस्थित मतलब जो गुणसूत्र बिखरे हुए हैं चारों तरफ, उन गुणसूत्रों को एक जगह बनाए रखने के लिए सहायक हो जाएगा। तो मुख्य रूप से हम अगर बात करें गुणसूत्रों की, तो गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, और वह एक अच्छी सी स्लिम बॉडी बना लेंगे। स्लिम समझ गए, पतली से बनने के बाद में ये क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे, क्योंकि शुक्राणु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता होती है। तो शुक्र कायांतरण यानी कि शुक्राणु का कायांतरण के अंदर चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और चारों शुक्राणु का निर्माण करती हैं। इससे क्या होगा, पूर्व जन्म कोशिकाएं जो हैं उनके अंदर क्या होती है, कार्यक्षम नहीं होती हैं, ये किसी प्रकार से शुक्राणु को यानी कि अंडाणु को निषेचित करने का काम नहीं कर सकती है, इसीलिए उनमें विभेदन की क्रिया प्रारंभ होती है और आरएनए को उस विभाग से हटा दिया जाता है, आकार में बदलाव लाते हैं और गुणसूत्र की व्यवस्था क्या करते हैं, ये व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। अब आती है बात, आखिर क्या क्या चीज होती है शुक्राणु के अंदर, तो अभी अपने देखते हैं इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ताकि मैं इसके आगे वाले भाग को आपको समझा सकूं। ले लिया, अब आता हमारे पास में एक्रोसोम, यह भाग आ गया एक्रोसोम। देखिए जब भी बात आती है एक्रोसोम, क्या है एक्रोसोम, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखना बारी वाले भी, यह गोल्जी काय से बनता है। गोल्जी केमिलो गोल्जी ने बनाया था, गोल्जी की खोज की थी, ध्यान रखना गोल्जी काय से बनता है, ठीक है ना। किससे निर्माण हो रहा है, गोल्जी काय से निर्माण हो रहा है। तो गोल्जी काय क्या होगी, शुक्राणु में गोल्जिकाएं एक चक्र का निर्माण करती हैं, क्या बनाएंगी, एक चक्र बनाएंगी। ये सभी रिक्तिकाएं एक साथ एकत्रित हो जाती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं बात कर रहा हूं शुक्राणु की, तो जितनी भी छोटी छोटी गोलजिकाएं थी वो सभी गोलजिकाएं एक ओर यानी कि ऊपर की ओर धकेली जाएगी और एक रिक्तिका का निर्माण होगा, बड़ी सी एक रिक्तिका पैनल बनेगी, और ये आपस में मिलकर क्या बनाएगी, पूर्व एक्रोसोमल कण। तो इसको लिखेंगे शुक्राणु के शीर्ष पर सभी एक्रोसोमल कण मिलकर पूर्व एक्रोसोमल का निर्माण करते हैं। देखिए पूर्व एक्रोसोमल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, है ना। और अब देखिए यानी कि ये जो जितने भी हैं ये धीरे धीरे अब एकत्रित होने लगेंगे, और कैसी संरचना बन जाएगी, एक टोपी नुमा संरचना बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, एक्रोसोमल या पूर्व एक्रोसोमल संरचना एक टोपी नुमा संरचना में
बदल जाती है। देखिए अब धीरे धीरे कैसा निर्माण हो रहा है, एक टोपी नुमा संरचना के अंदर क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है ना, टोपी नुमा। अब टोपी नुमा संरचना क्या हो जाएगी, टोपी एक टोपी नुमा संरचना, चलिए एक टोपी नुमा संरचना का निर्माण होगा। अब यानी कि इस तरह से ऊपर की तरफ शुक्राणु एक लेयर में बन गया, क्या होगा इसके अंदर से जितने भी पदार्थ हैं है ना, क्या होगा शुक्राणु में पाए जाने वाले सभी जीव द्रव्य, देखो जीव द्रव्य होगा क्योंकि ये खुद भी क्या है अपने आप में एक कोशिका है, तो इसमें जीव द्रव्य होगा वो कहाँ चला जाएगा, विपरीत ध्रुव पर, विपरीत ध्रुव पर चला जाता है। यानी कि अगर शुक्राणु की अपन बात करें तो वो अक्ष के विपरीत ध्रुव, शुक्राणु के अंदर यहाँ पर अगर एक्रोसोम है तो जीव द्रव्य कहाँ चला जाएगा, विपरीत ध्रुव पर चला जाएगा, सारा जीव द्रव्य कहाँ जाएगा, विपरीत ध्रुव पर जाएगा, और इसमें क्या बच जाएगा, केवल ऊपर की जो त्वचा है, यानी मैं कहूँगा कि ऊपर के उसके अतिरिक्त जितने भी संरचना है, यानी कि प्लाज्मा लेमा जो है किसके ऊपर, शुक्राणु के ऊपर जितनी भी केवल प्लाज्मा लेमा है वो ही सुरक्षित बची रहेगी, उसके अलावा जितना भाग है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, केवल प्लाज्मा लेमा पाई जाती है, अन्य भाग हट जाता है ना, जितना भी अन्य भाग है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, केवल प्लाज्मा लेमा उसके पास में रहेगी, और शुक्राणु जो है वो कैसा हो जाएगा, एकदम से स्लिम बन जाएगा, पतला बन जाएगा, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक्रोसोम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, केवल एक्रोसोम सोम पाया जाएगा। अब ध्यान देना जो एक्रोसोम है वो सबसे ऊपर की तरफ हो गया और उसके ठीक नीचे क्या हो जाएगा, केंद्र का गया, अपने को काम है एक्रोसोम से, अपने को काम किससे है, एक्रोसोम से, और किससे काम है, एक्रोसोम के बाद में किससे काम है, केंद्रक से, बाकी हमें किसी भी संरचना से कोई काम नहीं है। एक्रोसोम से क्या काम है, अपना क्या काम है एक्रोसोम से, तो कार्य लिखिए अंडकला को विभेदित करना। अंडकला को क्या करते हैं, विभेदित करने का काम करते हैं। अंडकला को क्या करेंगे, विभेदित करने के लिए क्या चाहिए, अपने को एक्रोसोम्स की आवश्यकता होती है। अब एक्रोसोम के नीचे की ओर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या बनाएगी, अपने अक्ष के ऊपर आच्छादित हो जाएगी, है ना। और जब अपन इसका पूरा डायग्राम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये अगर मान लो शुक्राणु है, ये शुक्राणु की पूंछ है और ये वाला शुक्राणु का हेड है, तो यहाँ पर सब क्या होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, और यहाँ पर क्या होगा, एक्रोसोम होगा, और यहाँ पर क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा। तो केंद्रक से अपना काम है क्योंकि ये निषेचन का मुख्य कार्य कर रहा है, और अपने पास में एक्रोसोम का काम है क्योंकि ये क्या कर रहा है, अंडाणु जो है उसका ऊपर की जो लेयर है चुना पिला चूड़ा वाली उसको तोड़ने का काम कर रहा है, और इसका अपने को काम पता ही है क्योंकि अगर ये नहीं होंगी माइटोकॉन्ड्रिया तो गमन नहीं हो पाएगा, और गमन करने में सहायक कौन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।